गंगा के समानांतर एक और गंगा का प्रवाह होने की बात कही जाए तो ये कोई अतिशोक्ति नहीं होगा, कोई बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात नहीं होगी, क्योंकि वाराणसी के ऐतिहासिक अर्धचंद्राकार घाटों को बचाने के लिए योगी सरकार की एक बड़ी योजना का काम मूर्त रूप लेने लग गया है। सरकार की इस योजना से गंगा के किनारे घाटों को नया जीवन मिलेगा, साथ ही घाटों के सामने उस पार रेत पर पर्यटन और आस्था का नया केंद्र भी उभर कर सामने आएगा। गंगा उस पार रेत में ड्रेजिंग कर 5 किलोमीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा चैनल बन रहा है। गंगा के पार इकट्ठी हुई रेत को हटाने की कोशिश पहले नहीं की गई थी, जिसके चलते गंगा की धारा से काशी के घाटों के किनारे खड़ी सदियों की विरासत ऐतिहासिक धरोहरों पर खतरा मंडराने लगा था। फिर कछुआ सेंचुरी को शिफ्ट करवा देने के बाद रेत पर ड्रेजिंग का काम तेजी से चल रहा है और लंबा चौड़ा कैनाल भी बनाया जा रहा है। काशी में कछुआ सेंचुरी के बाहर माँ गंगा के किनारे दरकते घाट की दिक्कत गहराती चली जा रही थी, जिससे घाटों के किनारे खड़े ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाले घाटों पर खतरा बढ़ गया था। दरअसल रामनगर इलाके में रेती जमा होने से गंगा का प्रवाह बदल गया था और काशी के पक्के घाटों पर पानी का दबाव बढ़ गया था, जिसके चलते घाट के सीढ़ियों के नीचे खोखला हो गया था और घाटों के किनारे सदियों से खड़ी इमारतों पर खतरा मंडराने लगा था। सरकार ने सबसे पहले इस इलाके के कछुआ सेंचुरी को शिफ्ट करवाया, जिसके चलते गंगा पार जमी रेती पर खनन का प्रतिबंध हटा लिया गया। प्रोजेक्ट मैनेजर उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लखनऊ ने बताया कि सामने घाट से लेकर राजघाट तक गंगा पार रेती पर 11.95 करोड़ की लागत से ड्रेजिंग करके 5.3 किलोमीटर लंबी और करीब 45 मीटर चौड़ी कैनाल को विकसित किया जा रहा है। रेत के टीले के बीच से चैनल बनने से अर्धचंद्राकार घाटों की ओर गंगा का प्रवाह कम होगा, जिससे घाटों की ओर कटान भी कम होगा और सैकड़ों साल पुरानी काशी की धरोहर सदियों तक के लिए सुरक्षित हो जाएगी। इस पूरे प्रोजेक्ट में खर्च होने वाले रकम का करीब 40-50% पैसा रेत या बालू के नीलामी में अर्जित करने की योजना है। ड्रेजिंग का काम तेजी से चल रहा है, जो मानसून आने से पहले करीब करीब खत्म हो जाएगा। इस योजना से घाटों की सीढ़ियों के नीचे की खाली जगह और घाटों के किनारे का गहरापन कम हो जाएगा। इस जगह को करीब 1 साल में गंगा के प्रवाह के साथ आने वाले सिल्ट खुद भर देगी। पर्यावरण और गंगा पर काम करने वाले वैज्ञानिक लंबे समय से कछुआ सेंचुरी हटाने की सलाह दे रहे थे। वाराणसी मंडल के कमिश्नर ने बताया कि इस प्रोजेक्ट से घाटों को कटान से बचाया जा सकेगा, साथ ही गंगा के उस पार रेत के बीच आइलैंड जैसा विकसित किया जा रहा है, जिससे पर्यटक कुछ दिन और काशी में रुक सके। 80 घाट की दूसरी तरफ रामनगर की रेती पर बीच जैसा माहौल बनाया जाएगा और टापू को विकसित कर सैलानियों के लिए तैयार किया जाएगा। पर्यटन विभाग आइलैंड से पैराग्लाइडिंग, स्क्यूबा डाइविंग सहित अन्य एक्टिविटी से संबंधित सुविधाएं देगा। सी बीच की तरह विकसित हो रहे गंगा के छोर पर ऊंट, हाथी और घोड़े की सवारी भी पर्यटक कर सकेगा। साथ ही महत्वपूर्ण त्योहार पर श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगा सकेंगे। अर्धचंद्राकार घाटों पर देव दीपावली पर जलने वाले दीपों की खूबसूरती भी इस आइलैंड से निहारा जा सकता है। खुद इस टापू पर जलने वाले दीप भी इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगाएंगे। इस कार्य योजना को प्रभावी बनाने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि PPP का सहारा भी लिया जा सकता है। गंगा पार पर्यटन का नया ठिकाना बनने से नाविकों समेत पर्यटन उद्योग से जुड़े सभी की आय बढ़ने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, अप टू डेट भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।